दोस्तों गांधीनगर किसका घर है? तेंगुरिया जी। तेंगुरिया जी के घर पे ट्रिंकेट साहब बैठा है दोस्तों। रात की करीब 9:45 बज रही है, दिखाना जरा। रात की करीब 9:45 बज रही है, इनका फोन आया। ये आज का दूसरा रेस्क्यू है दोस्तों। उमस और गर्मी की वजह से बार बार सांप खून निकल रहे हैं दोस्तों। ट्रिंकेट बहुत ही सुंदर सांप होता है दोस्तों। ये विषैला नहीं होता है, किसी प्रकार से खतरनाक भी नहीं होता है। और इसकी एक विशेषता होती है दोस्तों, ये टू आप हट जाओ, उजाला छोड़ो, ये टू पैटर्न में होता है दोस्तों। इसके शरीर का जो रूप रंग होता है ये दो पैटर्न में होता है। आधा शरीर डिजाइन में होता है और आधा शरीर पट्टेदार होता है। डायरेक्ट बहुत ही शांत, अगर इसे सहजता से व्यवहार किया जाए तो किसी प्रकार से कोई हमला भी नहीं करता है दोस्तों। और जहरीला विषैला तो विष तो इसमें होता ही नहीं है, ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। छिपकली चूहे के बच्चे, मेंढक के बच्चे वगैरह खाता है। अब हम इसको सुरक्षित अपने साथ इसकी सही जगह पर छोड़ने के लिए इसको अपने साथ ले जाएंगे दोस्तों, रेस्क्यू करके। ट्रिंकेट बड़ा ही सुंदर सांप, बेहद ही। इसके टू पैटर्न आप देख सकते हैं, इसके आधे शरीर के बाद इसमें डायरेक्ट पट्टे होते हैं दोस्तों, और आधे शरीर में इसमें डिजाइन होती है। ये देखिए, सिर से लगा के पूंछ तक आखिरी में इसमें ऐसे पट्टेदार डिजाइन होती है। और ये खतरनाक किसी भी तरह से नहीं होता है। एक चॉकलेट का जार दो ना बस, हाँ डिब्बा, हाँ हाँ। सांप कोई टेंशन वाली बात है, ये ट्रिंकेट है। आप यूट्यूब पे इसको सर्च करना, ट्रिंकेट नाम से। ये सांप विषैला नहीं होता है, और मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उसमें। अब हम इसको अपने साथ दोस्तों सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों जिस ट्रिंकेट सांप को अभी हमने गांधीनगर से रेस्क्यू किया है दोस्तों, अब उसको हम सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए आ गए हैं। ये निशाचरी सांप होता है दोस्तों, अक्सर ये रातों में मिलता है, पर नॉन वेनेमस इंडियन ट्रिंकेट स्नैक है दोस्तों। अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। दिखाओ जरा, जाओ दोस्त और अपनी दुनिया में मौज करो।